वंदे भारत देश का स्वाद के पिछले दो भागों में हमने आपको अपनी वंदे भारत ट्रेन की जर्नी दिखाई, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और सुबह के सबसे लोकप्रिय नाश्ते आपको दिखाए। चलिए अब आपको हम यहाँ के शाम के खजाने दिखाते हैं। देश की शान वंदे भारत। वंदे भारत जहाँ जहाँ जाएगी हम वहाँ आपको लेके चलेंगे देश का स्वाद चखाने। सबसे आइकॉनिक, सबसे ज्यादा जिसके रिकमेंडेशन, सबसे ज्यादा दीवानापन ऐसे स्ट्रीट फूड आउटलेट पे आए हैं। कैमरा घुमा के देखिए क्या दीवानगी है। जी हाँ, जहाँ नजर डाल रहे हैं आपको कस्टमर ही कस्टमर दिख रहा है, खाना तो आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा। चलिए अंदर ले चलता हूँ, यहाँ पे क्या खाना है वो खा। थोड़ा बताओ, थोड़ा बताओ। तो लीजिए सबसे पहले इनकी टमाटर की चाट देखिए आप। ये देखिए जी, मैंने ये देखिए, देखिए रूप रंग बहुत लाजवाब है। कुल्लड़ के अंदर जो इसको सर्व करने का तरीका है ये बहुत लाजवाब है। और जब आप बाहर रोड पे देखेंगे तो 10 में से 7 लोग यही खा रहे हैं। ये है यहाँ की टमाटर की चाट, वर्ल्ड फेमस। हमने काफ़ी चीज़ें इनकी मंगवा ली हैं। सबसे पहले टमाटर चाट का टेस्ट देखते हैं। ये देखिए मेरे लिए यूनिक एक्सपीरियंस है। इसमें हल्की सी मिठास है, चाहे ये टमाटर की चाट है लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा टमाटर की खटाई इसमें नहीं है, माइल्ड खटाई है। और महक बड़ी प्यारी है मसालों की, जैसे स्पून मेरी नाक की तरफ जाता है महक बहुत लाजवाब है। यहाँ पे आप आए तो टमाटर की चाट ज़रूर खाएं। तो नेक्स्ट है जी यहाँ की पालक पत्ता चाट। ये देखिए पालक पत्ता चाट, पालक के पत्तों को फ्राई किया जाता है और उसकी चाट बनाई जाती है, जैसे पापड़ी चाट होती है वैसे पालक पत्ते की चाट है। ये इसमें पालक है, करारी जरूर है लेकिन पालक के पत्तों को जो फ्राई किया गया है काफी हैवी है, काफी मोटा है। जनरली जो मैंने दिल्ली में खाई है वो बड़ी पतली होती है, बड़ी क्रिस्प होती है, यहाँ थोड़ा वैसा वाला मज़ा नहीं आया मुझे। तो ये अगर दही चटनी के साथ जो हम इसको खा रहे हैं अच्छा फ्लेवर दे रहा है। जो मेरे को इसमें एक थोड़ी सी कमी लगी वो यही है कि जो पालक का पत्ता बढ़िया से फ्राई होता है, पतला करारा, वो वैसा नहीं। तो ये देखिए इनकी साबूदाना चाट है, ये मंगाई तो हमने आलू टिक्की चाट थी लेकिन इतनी मारो मार है, इतना दीवानापन है यहाँ पे कि मौका ही लग रहा, टाइम नहीं मिल रहा। तो हमें जिस चीज का मौका मिला हमने वो चीज उठा ली, हमें साबूदाना मिल रहा था हमने साबूदाना चाट मिल रहा। साबूदाना चाट एवरेज है, जो मेजर इसमें टेस्ट आ रहा है वो मटरों का आ रहा है और ऊपर जो इन्होंने फ्राइड से अपने जैसे होते ना नमकीन होता है वो डाला है, वो अच्छा एक क्रिस्प दे रहा है, अदरवाइज ये एवरेज स्टफ है।
बढ़िया बढ़िया करारी चाट खाने के बाद आखिरी में मीठा खाना तो बनता है। ये देखिए जी, हमने इनके गुलाब जामुन मंगवा दिए हैं। साइज देखिए, रूप देखिए, रंग देखिए। अंदर से देखिए, ये देखिए, बहुत प्यारा रूप रंग इसका। तेज मीठा है एक, लेकिन मैंने यहाँ पे और भी गुलाब जामुन कई जगहों पे खाए हैं। बाकी जगहों पे जहाँ मैंने खाए वहाँ बहुत मुलायम सॉफ्ट गुलाब जामुन थे, ये थोड़े से सख्त है। शायद दुकान अभी अभी खुली है, उतने गर्म नहीं हुए जितने होने चाहिए थे, शायद ज़्यादा गर्म हो के और मुलायम हो जाए। ये थोड़े से और मुलायम होंगे तो इनका स्वाद ज़्यादा बढ़िया है। जितनी तारीफ़ सुनी थी उतनी तारीफ वाला मुझे यहाँ का स्ट्रीट फूड लगा नहीं। शायद भीड़ इतनी है कि जो बनाते हैं वो लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा अच्छे से बनाने का। मेरा एक्सपीरियंस यही गया कि इतनी भीड़ के कारण जो इस जगह का मज़ा है वो मज़ा नहीं आया। आपका कैसा एक्सपीरियंस गया था यहाँ पे ज़रूर बताना कमेंट। ये गली देखिए, पतली सी गली, और यहाँ से हमारा स्कूटर 3-4 बार निकला और हमारे स्कूटर की ब्रेक पता है क्यों लगी? क्योंकि यहाँ पर बड़ी ही शानदार हींग की खुशबू आ रही थी। और क्यों आ रही थी ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे आराम से आप थड़ी के ऊपर बैठ के फूड एंजॉय कर सकते हैं, जैसे ये हमारे जैसे फूडीज यहाँ पे खाना एंजॉय कर रहे हैं, हम भी ऐसे बैठ के कचौरी एंजॉय करेंगे। तो हमारे जैसे ही यहाँ पे फूडी कचौरी एंजॉय कर रहे थे। आप यहीं के हैं या बाहर से आए हुए हैं? भैया तो हम तो यहीं के लोकल ही हैं, मुगलसराय के हैं। अच्छा जी। और यहाँ पे ये कचौरी आप पहली बार खाए हैं या आते रहते हैं? नहीं, हम तो आते रहते हैं, हम इससे पहले भी आ चुके हैं। हाँ हाँ। और आप? ये मेरा फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम है। कचौरी खाई आपने? एकदम बेहतरीन कचौरी थी। बेहतरीन, मतलब यहाँ पे वाराणसी में इतनी जगहों पे ऐसी कचौरी मिलती है, उसके मुकाबले आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बेहतरीन थी। मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट की थी, तो हम लोग संडे को एक दिन आए भी थे, लेकिन वो बंद थी संडे को, और पब्लिक हॉलीडेज में बंद होती है। अच्छा। तो आज नसीब हुआ कि आज हम लोग ऐसे कुछ काम के लिए आए थे बनारस, तो मिला मौका खाने का, तो फिर हम लोग एक बार ट्राई करते भाई आए तो। एकदम बेहतरीन कचौरी थी। थैंक यू सो मच, अपना रिव्यू शेयर करने के लिए थैंक यू। तो इस कचौरी की दुकान के कर्ता धरता दीनानाथ जी हमारे साथ है। दीनानाथ जी, कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? अरे 65 साल तो हो गए। 65 साल हो गए? अरे वाह। यही दुकान, यही चौतरा, यही मकान, यही दुकान, यही रहना, यही जीना, यही खाना, यही धंधा करना। अरे वाह। और एक रकम का स्वाद, 12 महीना 300 दिन। संडे को बंद रखते हैं, संडे को काम दूसरा रहता है, पूजा सेवा वाला। अच्छा। अपनी भक्ति में रखते हैं, बाकी टाइम दुकान में देते हैं। और प्राइस क्या रखा हुआ, क्या रेट है? मतलब बनारस में तो इस मसाले में 10 रुपए में कोई देने वाला नहीं है। अच्छा। 10 रुपए में बिना प्याज लहसुन की है, 12 महीना पुदीने की चटनी है, और कोयले से सीखी भाई कचौड़ियाँ रहती है, जब तक लाल नहीं हो जाती है तब तक बेचता नहीं हूँ। तो जमाना था हमारा कि लोग पानी नहीं छूने देते रहे हम। अच्छा। अब तो भाई जब से कोरोना लगा तब से जो चाहे तो कर लीजिए। और क्या, मैं देखिए मेरे को आपकी दुकान का पता कैसे पता लगा? हाँ। मैं इस गली में 2-3 चक्कर मारे। हाँ। तो हींग की खुशबू ने मुझे यहाँ रोक लिया। हाँ। तो वो हींग जो है शायद कोई बनारस में गलाता हो, हींग की जन्मदाता हम ही है। अच्छा। बनारस में हींग की कचौड़ी जो सर्वप्रथम हम ही है। अरे वाह। हमारा देखा देखी 50 दुकानदार खा कमा रहे हैं। हाँ। हमारे हींग हींग हींग, लेकिन हींग कैसे डाला जाता है, हींग की क्या वैरायटी है, ये नहीं ज्ञान है। अरे वाह वाह वाह। मतलब आपसे, आपके कोई शिष्य बनना चाहे तो आप शिष्य बना लेंगे उसको? अरे बना ले, अपना खाए कमाए, हमें क्या लेना देना है। हाँ। कहीं भी रहेगा तो दुआ तो देगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। एक रकम की मालवी मार्केट में 100 दुकान कपड़े की सबकी बिकती है।
और दुकान का टाइमिंग क्या रहता है यहाँ? दुकान संध्या को 4 बजे से 7 बजे तक, 4 से 7 बजे तक। अच्छा, ये जैसे छोटी छोटी पतली गलियों में है, हाँ। तो यहाँ किसी ने आपके पास पहुँचना हो तो सबसे आसान आसपास कौन सी जगह है जो पूछ के बंदा पहुँच सकता है? मतलब विश्वनाथ जी मंदिर और काल भैरव के बीच में ठटेरी बाजार पूछ ले, हाँ। और ठटेरी बाजार जब आ जाएगा तो सोरा कुआं पूछ ले, सोरा कुआं के ठीक सामने मेरी दुकान है। अरे वाह, थैंक यू सो मच जी हमसे बात। ये हींग है। अरे वाह, ये देखिए, ये हमारे लिए हींग मंगवाई गई है। देखिए माँ खाए इसकी। हाँ, मैं आपको बता दूं, देखिए कितनी दूर है ये, इतनी दूर है और इसकी महक एकदम हिट करी है मुझे, और बहुत लाजवाब, मतलब कहते हैं ना A1 क्वालिटी वाली चीज़ वो है। हम बहुत सारी मसालों की दुकानों पे भी जाते हैं लेकिन इतनी प्योर हींग तो शायद मैंने वहाँ भी नहीं देखी, और इतनी प्यारी महक है ना इसकी। अच्छा, जो एक दफा खा लेता है वो बार बार आता है, ये चीज भी गारंटी है भोलेनाथ की। इसमें जो घी डालडा यूज होता है, A1 नेचर फ्रेश। अच्छा, हाँ, जो सबसे डालडा की बेस्ट क्वालिटी है। चलो आपका एक मैं सीक्रेट पूछता हूँ, रोज की कितनी कचोरी बेच लेते हो 3 घंटे में? मतलब हम लोग 6 प्राणी का खाना पीना भोजन पानी माला फूल वगैरह सब हमारा इंतजाम हो जाता है। नंबर बताओ, 100 कचोरी, 200 कचोरी, 500 कचोरी? देखिए ये तो मैं नहीं बताने वाला इतना जानता हूँ कि बच्चों को बढ़िया क्वालिफिकेशन कराया, हाँ। ब्याह शादी किया यही कचौड़ी बेच के। वाह वाह वाह। पहले मैं पोस्ट ऑफिस में था। अच्छा, वहाँ पर रिजाइन दे दिया किसी कारणवश। अच्छा। क्योंकि हम चला आचार विचार वाले आदमी। कितने साल पहले की बात? ये सन 65 की बात। अच्छा, 65 की, इतनी पुरानी बात। तो मतलब खुश है, नौकरी छोड़ के खुश है, एकदम अपना काम करते हैं, किसी के बंधन में नहीं है। सही बात है। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है या मैं कहीं ब्याह शादी में जाना चाहूंगा बंद करूंगा चल दूंगा। सही बात। वैसे गुलामी मुझे पसंद नहीं। अरे वाह, अंग्रेजों वाली गुलामी नहीं किया अपनी हुकूमत किया, और न किसी का 5 पैसा लेता हूँ न 5 पैसा देता हूँ, अपने काम से काम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच हमारे से बात करने। तो लीजिए, हमारे लिए कचोरी लगती हुई, 4 कचोरी गई, और इसके अंदर स्टफिंग किस चीज की रहती है? आलू की स्टफिंग रहती है। और कीमत? 40 रुपए प्लेट। 40 रुपए प्लेट, 10 रुपए पीस। चने डाल के? चने डाल के। और बिना चने के क्या रेट रहता है? सेम। अच्छा, 10 रुपए ही रहता है। चटनी से? हाँ जी, चटनी वाली एक दे दीजिए हमें, एक चने वाली बना दीजिए। तो देखिए, दोनों टाइप की, बेसिकली फर्क क्या है, रेट सेम है। इसमें चने की, काले चने की सब्जी डाल के दिया गया है, और ये बराबर में सिर्फ चटनी वाला दिया गया है। और जैसे दीनानाथ जी ने कहा कि दोनों का स्वाद अलग आने वाला है, तो चलिए उनकी राय हमने मान ली है। सबसे पहले मैं बिना चने वाला ट्राई करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस जगह ने, जिसने अट्रैक्ट किया, वो है हींग की खुशबू। ये अब बन चुकी है कचौरी, मेरे सामने है, इतनी प्यारी महक। देखिए, हींग की कचौरी, हींग की आलू की सब्जी वगैरह दिल्ली में भी बहुत बिकती है, लेकिन जो ये महक है ना, ये शायद इतनी प्योर महक मैंने किसी भी स्ट्रीट फूड आउटलेट पे नहीं सूंगी। इतनी प्यारी महक है, इतनी प्योर महक है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसके अंदर आलू डाला जाता है, आलू की स्टफिंग होती है, वो दिखाता हूँ। सबसे पहले बहुत गर्म कचौरी है, ये देखिए आलू की इसके अंदर स्टफिंग है, मैश करके आलू डाले गए हैं। Marvelous. बहुत स्वाद है, और मैं तारीफ एक ही चीज की कर रहा हूँ, जो शो स्टॉपर है वो है हींग। हींग की खुशबू भी अच्छी है, हींग का जो इसमें फ्लेवर आ रहा है वो भी लाजवाब है। तो देखिए, फर्क यही है, इसमें चने की सब्जी डाली गई है। जैसे हमारे दिल्ली में पंजाबियों में चावलों के साथ चने बनाए जाते हैं, वैसे सेम वैसे ही चने इन्होंने कचौरियों के साथ सर्व किए गए हैं, काले छोले कह लीजिए जिसे।
सेम कचौरी है जिसके अंदर आलू की स्टफिंग रहती है। रेट दोनों का सेम है, चाहे आप चने डलवाइए ना डलवाइए, 10 रुपए की एक पीस। बहुत गर्म है। सेम स्वाद है, सिर्फ फर्क यह क्या है कि जब मैं सिर्फ कचौरी कचौरी खा रहा हूँ उसमें हींग बहुत स्ट्रांग आ रही है, लेकिन जब इसमें ये चने की सब्जी डाल दी गई है तो जो हींग बहुत स्ट्रांग थी उसको उसने थोड़ा सा दबा दिया। छोलों की सब्जी ने, चने की, काले चने की सब्जी ने वो हींग के फ्लेवर को दबा दिया है। ये भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। और ये जो हमारे कैमरा पर्सन है कह रहे भैया ये छोले अलग से पैक करा लो, बॉयल्ड राइस के साथ खाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। तो हमारे साथ भैरव सरदार जी हैं और क्या प्यार बांट रहे हो। हमने किसी से पूछा कि यहाँ पे पलंग तोड़ कहाँ खाया जाए, कोई दुकानदार जो हमें कचोरियाँ खिला रहा है, टिक्कियाँ खिला रहा है, वो कह रहा है जी अगर आपने खानी है तो भैरव सरदार जी के पास जाओ। तो क्या प्यार बांट रहे हो कि इतना नाम की खाने पीने का जो सामान बेच रहे हैं वो भी आप ही का नाम ले रहे हैं। भैरव जी क्या कहना चाहेंगे? अब ग्राहक हमारे जो है हमारे सामान को पसंद करके हमारे पास आ रहा है। हाँ हाँ, क्या समझे? और ये पलंग तोड़ होता क्या है ये थोड़ा सा बताइए हमारे। ये मलाई की पूड़ी से बनता है। मलाई की पूड़ी से? अच्छा। केसर और सब मेवा छोड़कर। अच्छा, और कितनी देर लगती है इसको बनाने में? अरे सुबह से शाम हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। और रोज का कितना हो जाता है आपका ग्राहक? ज्यादा नहीं तो बनता ही। अच्छा, ज्यादा नहीं बनता, बस 10 किलो के आसपास बनता है। 10 किलो का, और मतलब पूरा दिन लग जाता है 10 किलो बनाने में। तो बेसिकली मलाई की पतली पतली परत होती है, हाँ, उसके से बनाया जाता है। हाँ, केसर से। तो इसका नाम पलंग तोड़ क्यों है? अभी हमारे यहाँ तो केसर वाली मलाई है, ग्राहक इसके नाम पलंग तोड़ रख दिए। अच्छा, केसर वाली मलाई का नाम पलंग तोड़ रख दिया। और क्या रेट रहता है आपके यहाँ पे? 1200 रुपए किलो इस समय है। 1200 रुपए किलो। और आपके टाइमिंग्स क्या रहते हैं यहाँ पे? 5 बजे दुकान लगती है। अच्छा, और जितना समय में बिक जाए। 5 के 7 भी बन सकता है और 8 भी बन सकता है। और किसी ने आपके पास आना हो, अंदर बंद कर लो, किसी ने आपके पास आना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है कि बड़े आराम से पहुंच जाए आपके पास? यह चौक नंदन साहू लेन, परशुराम मंदिर। अच्छा, परशुराम मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े चौक में। ठीक है जी, तो वाराणसी का जो चौक है वहाँ पे परशुराम मंदिर है। नंदन साहू लेन। कौन सी लेन? नंदन साहू लेन। नंदन साहू लेन, अच्छा जी, उस लेन के अंदर। हमारा 100 ग्राम जरूर रख लेना जी। हमें भी 100 ग्राम चाहिए। सबको चाहिए। तो लीजिए, ये है पलंग तोड़, 1200 रुपए किलो। और ये आप क्वांटिटी देख लीजिए कुल्लड़ के अंदर, ये 120 रुपए की 100 ग्राम है। और इन्होंने तो नहीं बताया कि इसका नाम पलंग तोड़ क्यों है, लेकिन यहाँ पे ग्राहक खड़े थे जो ऑफ कैमरा हमें बता के गए हैं। कहते हैं बेसिकली इसको पलंग तोड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खाने के बाद एक एनर्जी लेवल आपका नेक्स्ट बूस्ट करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है। और जो रात को बंदा जो एक्स्ट्रा पावर होती है बेड के ऊपर वो ज़्यादा एफर्ट डालता है, इसलिए इसका नाम पलंग तोड़ रखा गया है। आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं भी ठीक से समझा नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा हो रहा है कि मैं ये कैसे समझाऊंगी इसका नाम पलंग तोड़ क्यों रखा गया है। चलिए इसका टेस्ट करते हैं। तो देखिए, पतली पतली मलाई की लेयर्स हैं और जैसे इन्होंने बताया पूरा दिन निकल जाता है 8-10 किलो बनाने में। ये देखिए, बढ़िया सी बाइट ले ली है इसमें। और ये देखिए लेयर्स आपको दिख रही होंगी, ड्राई फ्रूट्स आपको सजे दिख रहे होंगे, बादाम है, पिस्ता है और केसर की खुशबू लाजवाब। भैया
मीठा इसमें तेज है, केसर ओवर पावर कर रहा है, मतलब केसर ही केसर की आपको खुशबू आएगी, उसी का फ्लेवर आएगा, लेकिन ये स्वाद है, ये पैसा वसूल है। 120 में आपको शायद ये लगेगी, ये छोटी सी कटोरी भर के दे दी है, सिर्फ आपको 120 में महंगा लगे नहीं, ये चाहे महंगा ज़रूर आपको लगेगा, लेकिन ये बहुत स्वाद है, नज़ारे आ जाएंगे, खा के ज़रूर देखिए।